धार जिले की सबसे बड़ी बैंक ऑफ इंडिया निसरपुर शाखा में लक्ष्मी के पैसे दूसरी लक्ष्मी को दे दिए गए। दरअसल मामला धार जिले के कुक्षी निसरपुर बैंक ऑफ इंडिया शाखा का है। 2015 में बैंक ऑफ इंडिया ने जनधन के अंतर्गत लाखों खाते खोले, उसी में चिखलदा ग्राम की लक्ष्मी पिता बंधु और दूसरी लक्ष्मी पति परसराम का खाता कई साल पुराना है, लेकिन शासन द्वारा डूब प्रभावित अनुदान का 5,80,000 रुपए लक्ष्मी पिता बंधु के थे, जिसे वो समय समय पर निकालती रही और अंगूठे का निशान भी लगाती रही। लगभग 3,00,000 के ऊपर उसने निकाल लिए। बाद में उसको जरूरत नहीं थी तो लंबे समय तक उसने अपने अकाउंट को देखा ही नहीं। इसके बाद लक्ष्मीपति परसराम जब बैंक पहुंची तो उसने भी अपने खाते से पैसे निकाल लिए, वह भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार पैसे निकालती रही। लेकिन जब ओरिजिनल खातेदार लक्ष्मी पिता मंडू जाति कहार पैसे लेने बैंक पहुंची तो बैंक कैशियर ने कहा, आपके खाते में केवल 341 रुपए हैं। इतना सुनते ही महिला घबरा गई, जिसके बाद पासबुक एंट्री करवाई, जिसमें एंट्री में पैसे निकालने की एंट्री तो दिखाई दी पर पैसा खातेदार महिला ने नहीं निकाला। इस बात को लेकर महिला बीते 15 दिनों से भटक रही थी, जिसके बाद मीडिया के माध्यम से महिला चौकी निसरपुर जाकर अपनी व्यथा चौकी प्रभारी को सुनाई और इसके बाद बैंक के खिलाफ महिला ने आवेदन देकर अपना पैसा वापस दिलाने की मांग की। जब मीडिया के पत्रकारों ने दोनों महिलाओं की पासबुक चेक की तो दोनों की पासबुक में फोटो अलग अलग थी, लेकिन खाता नंबर दोनों को एक ही दे रखा था। एक महिला अंगूठा लगाती है तो दूसरी हस्ताक्षर करती है। आखिरकार बैंक की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? पहली लक्ष्मी के पैसे दूसरी लक्ष्मी को कैसे दे दिए? आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या ग्राहक का पैसा सुरक्षित? ये तमाम सवाल इस प्रकरण के बाद सामने हैं। कई हुए तो जी, बैंक में पैसा क्यों मिल रहा तुम्हारा? हाँ, बैंक में आई भैया पैसा निकालना, तो मैंने डायरी दी मैम को। मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं पैसे चाहिए मिल गया, क्योंकि उन्होंने डायरी मेरी चेक करी तो डायरी में खाली 300 रुपया बताया। तुम्हारा खाता में पैसा कितना था? तो हमारा खाता में पैसा 280 तो वो पूरा था, और उसका बाद 3 डाला था ना, उसका में कि एक किस्त थी बाकी 50,000 की, तो उसका में से खाली 10,000 ली गई, 40 वो बचे और फिर ऊपर का पैसा था हमारा 3,50,000 रुपये हमारा पूरा था पैसा। तो मैंने मैम को कहा, मैंने कहा मैम मेरे पैसे, मैंने कहा मेरे ज़्यादा है, मैंने कहा कि पैसे क्यों कम आ रहे, तो उन्होंने डबल चेक करी डायरी तो फिर भी 300 ज बताया। फिर मन सर को बोले तो सर कहे कि रुको मेरे को देखने दो, कहे तो उन्होंने फिर विड्राल दे किया, तो विड्राल ना मैं साइन करे लिए, तो मैंने कहा सर मैं तो मैं अंगूठे से पैसे निकालती, मेरे को साइन तो आती नहीं, तो ऐसा मैंने कहा कि हाँ ठीक है, कहे कि ऐसा करी बोली दे उन्होंने कि तुम घर जाओ कि अपन देखते। हम घर चली गई, फिर मानो भाई को कहो, मन भाई मन को पैसा मन को डायरी में 300 रुपया थे, मन को अपन को चलनु थे कल मन को वापस, मन को चलाऊंगा बैंक पर, कह कि हाँ। हम दूसरा रोज आया तो सर ने बोलियो कि अभी चलो हम आगे से कह के पता निकालते पैसे तुम्हारे है कि दूसरे के है, तो मैंने कहा हाँ सर दे पूछ लो। उन्होंने फिर पूछे वहाँ पर तो वो कहे कि नहीं पैसे आपके थे, कह के पैसे गलती से पैसे दूसरे को दे दिए कह के तुम्हारे पैसे तुमको मिल जाएंगे अभी तुम घर जाओ। तो हम वापस घर चली गई, तो हम 20-25 दिन से दौड़ी रही भैया, हम परेशान थे। हम कभी क्या करा, चौकी में आवेदन दिया? चौकी में आवेदन दिया नहीं सर। तो क्या फर्जीवाड़ा और क्या कार्रवाई की? आवेदिका लक्ष्मीबाई वाइफ ऑफ मड़िया कहार निवासी चिखलदा द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है। उसके बैंक ऑफ इंडिया में खाता था, जहां पर उसके खाते में किसी अन्यत्र व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को पत्र लेख किया गया है। उनके अनुसार जब भी जानकारी दी जाएगी उसके अनुसार विधि अनुसार अनावेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।